एक दो दिन में निकल जाएंगे कैसे दाम बिल्कुल। यहाँ तक हमारे लिए आए, तुम रास्ता दिखाओ। ये है टावा के स्टीफन। बेटिंग वाली टिकट करा रहे हैं, टिकट जब मिल गई है बेटिंग वाली। बारिश देखो कितनी भयंकर हो रही है। 20 होती तो वह रुकने न पत्तो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे। और कल थी बारे भाई की एनिवर्सरी, तो पार्टी फार्टी करी, पर के सो गए थे। अब सुबह जगे हैं, 11 बज गए हैं। और जैसे कि मैं हमारा हर ब्लॉग में बता रहे हैं कि कैंची धाम जाने की भाई तैयारी है, बट टिकट नहीं मिल पा रही है। तो टिकट बहुत दूर है, 10 दिन बाद हो रही है। तो हम सोचे तत्काल में टिकट करवाने के लिए इटावा जा रहे हैं। देखें हो जाए तो हो जाए, ना तो फिर हो जाए तो सही है, ना तो फिर देखें बफे देखें और वहीं पर अपनी कार देख ली। कितना टाइम लग रहा हो कार में, पूछ ली वहीं पर ना भाई, तो कार फिर चले जाएंगे कैंची धाम। और क्या करें जी, कर लेकिन कार से दिक्कत रही है, बिकॉज बारिश की मौसम है, लैंप लाइट वगैरह हो रहा है, तो दिक्कत रही है। तो हम सोच रहे हैं देखिए बस तो निकले, कब निकलेंगे, जल्दी निकले, एक दो दिन में निकल जाएंगे कैंची धाम के लिए। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं फिलहाल इटावा, तत्काल में टिकट बुक करावे के लिए। आधार कार्ड वगैरह ले लो, फोन निकालने, फोन मेरे 13% है, देख रहे हैं। चलो चलते हैं, खेल कर रहेगा। देखो रोड में क्या देख रहे हैं, रोड जाम कर देगी। सो गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी आराम से पहुंचा इटावा। बाद मारो बारिश में, हाथ बना है कुछ भी हो, मालेगा से बारिश नहीं आए, लेकिन कितनी बारिश हो। पुल पे लगो है जाम इटावा, बहुत बड़ा जाम लगो, बड़ो जाम है। अरे यार जो इटावा के नगर निगम है, तो वो फ्लाई ओवर नहीं बोलते हैं, ऊपर वालों बनवा दे तो फही रहे यार, जाम नहीं लगो करे। तो वो जाए बारिश के मौसम में यहाँ दिक्कत होता है। गाय तीन में घूम जगह बिहार जा रहा मैं, गए फिर लौट के आए, फिर नीचे में गया, फिर लौट आए। बारिश भाई होते तो फिर मैं बन जाते थे। फिर लड़की गायब लड़कियों से गुजारे फेंके, स्कूटी आराम से चलाएं। हम जैसे खूबसूरत लोग हैं ना, उनको लिफेरे नहीं बारिश का मौसम है। तो जी भैया आगे जा रहे, सब्सक्राइबर हैं हमारे, जय लेवा जा रहे, घर नहीं लेवा ले जाएंगे, घर नहीं लेवा ले जाएंगे। गलियां गलियां, ये देखो इटावा की गलियों में घूम रहे हैं। ना भैया यार, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी इंस्टीट्यूट है सैंडी डांस स्टूडियो। कहाँ पे? यही पुल के गवर्नमेंट पे, और सैंडी यादव नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, आप ही सिखाते हो लड़के? मैं सिखाता हूँ, और महाकाल की पुजारी जो गाना है आधी आधी रात में, उसमें हो रही है माधे की कृपा है, माधे के रक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी मिली आपसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत खुशी। थैंक यू। हम हमें फराब कर रहे शाम को है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। चलो मैं ज्वाइन करके देखें। नहीं नहीं आओ, मैंने पहले देख लिया आपको, फिर मैंने टोकूं या ना टोकूं कोई ना, मैं सबसे मिलते हैं यार, आपकी क्या बात है। थैंक यू, आपने यहाँ तक ले गया रास्ता तक, यही रास्ता है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं घर की क्लास जा रहा था, पर जैसे ही आप पुल में गए तो मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए पीछे आ गया था। अच्छा पीछे आए थे तो मुझसे मिलने के लिए, अब यहाँ तक आए हो मेरे लिए? अरे यार थैंक यू भैया, जा रहा था। थैंक यू भाई यार, क्योंकि वो नहीं बताती यार। नहीं, एक आर्टिस्ट से मिलना, देखो मेरा क्या है कि कलाकार हूँ, कलाकार की कदर करना। भैया भैया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मान देता हूँ। चलो भैया मैं भी आएंगे यार, कहाँ पे प्रॉपर बता दो मुझे। कॉर्नर पे जैसे मुफ्ते नीचे जाते, तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल आओ भाई, मैं तो चाहूंगा। कौन सा ये यही नाम है? सैंडी डांस स्टूडियो। चलो भाई आता हूँ, आप ही मिलोगे वहाँ पे? और भी कोई मिलेगा क्या? चलो मैं आऊँ, पहचान लेना फिर देखते। अरे कैसी बात कर रहे हो। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू भाई। अच्छे हैं, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बताइए। यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं पे रहता हूँ। चलो ठीक है, जा रहा हूँ मैं, स्टेफन जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है भैया। सो गाइस, ऐसे लोग यार मिल के अच्छा लगाते हैं, जो यार कदर करते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं, तो हम भी रुक जाते हैं। बंदा था यार, एक डांस कोचिंग है बंदे की, तो मैं अभी चलते चलते नहीं रुक के बताता हूँ, ठीक है? पूरी ट्रेन यहाँ पे देखो, रेलवे फाटक ट्रेन निकल रही है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पुल बन जाए, फ्लाई ओवर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइक वाइक निकल रहे हैं, देखो नीचे पे फाटक खोलो ना है यार, गलत है, देख रहे फाटक खोलो ना है, और लोग नीचे से बाइक निकाल रहे हैं, जान रिस्क पे ले गए। अब आ जाए गाड़ी, फिर क्या करें लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी लोगों से मेरी
एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज जब फाटक खुल जाए तभी निकलो या फिर मत करो देवा। तो गाइस एक बात बताने चाहिए, अरे यार बहुत यार यहाँ पे वो है काबुल का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा दिक्कत है। गाइस हम एक ही बात कह जा रहे हैं, इटावा के जो प्रशासन है इटावा का, तुम इनसे यही कह जा रहे हैं जो ट्रेन फाटक है, जो रेलवे फाटक है, वहाँ में जो बाइक वाले मोटरसाइकिल वाले फाटक खुलते हैं, नीचे में मोटरसाइकिल निकाल निकाल के जाते हैं जैसे कि तुमने वीडियो में देखो है, तो जी यार बहुत रिस्की हुए फकत है, काफी दुर्घटना हुई फकत है, बड़ो हादसा हुए फकत है, जहाँ पे थोड़ी गौर कही जाए तो हम देख कह रहे हैं जहाँ पे इन पे थोड़े सख्त नियम करे जाए, जो लोग हैं फाटक है जो बाकी नीचे पे मोटरसाइकिल बाइक निकाल के नहीं ले जाए, जब फाटक खुल जाए उसके बाद ही बाइक निकाले गाड़ी निकाले, और हम तो भीड़ ज्यादा हुई ताकि बजाय हम तो निकल आए उधर पे फाटक पे नहीं निकाली है, बहुत दिक्कत हुई फकत है, गाड़ी आ जाए फिर क्या करे हो बताओ, बचने फका तो ताकि वजह पे कह जा रहे हैं, और जो लोगों ने गाड़ी निकाली अगर वो लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो थोड़े भैया यार देख लियो मत निकालो को रहे यार, जल्दी का काम फैतान को हो जाता है, फिर हम तो चले आए, हम तो इधर पे आए हैं भरतना चौराहे पे होते हुए ऊपर फ्लाई ओवर हम, अब जा मत कही तू ज्यादा वो बांट रहे हो ज्ञान बांट रहे हो गाड़ी आ रही दो, हम सही कह रहे भैया यार ठीक है, चलो थैंक यू लव यू इतनी बहुत है, अब अपनी स्टेफन पे जाने दोबारा हमें घूम के जाएंगे। सो गाइस फाइनली इटावा आ गए, स्टेफन भी आ गए चल रहे इटावा जंक्शन, सो गाइस घोड़ा चाय पे गाड़ी ठाड़ी कर आए ये इटावा के स्टेफन, तो गाइस तत्काल को समय हो 2-4 मिनट भैया बता रहे हैं, हाँ देखे कल हो जाए तो कल करवा दे यार, समय आने नहीं पड़े सब कह रहे हैं हमारे भैया तो अंदर बुला हुए हैं, देखे चल रहे मुरादाबाद जाने में क्या चीज़ हम जा रहे हैं। अच्छा तो मुरादाबाद के लिए आपको देखिए उसमें मेरे भी बेटे हैं, तत्काल 2 दिन पहले सुबह 11 बजे। अच्छा हम नॉर्मल बेटे होंगे तो आप कर दोगे, मैं पेमेंट वगैरह कर दे रहे हैं आप कर दे, यही तो नहीं हो पाता है, यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे तत्काल में, तो मुश्किल वेटिंग हो जाएगा, कब तक हो जाएगा वेटिंग, तो आपको 14 मिले पीछे स्टेशन से मिल गया, कावा से तो है ही नहीं बेटिंग, तो बेटिंग तो सीट कहाँ मिले, अगर सीट कोई खाली हुए तो मैं तो मिल गए, अभी सीट खाली हुए वो तो फोन पे भी हो जाती है बेटिंग वाली, तो मान नहीं होगा अगर वो नहीं कन्फर्म नहीं हुई तो फिर खड़े होकर जाना पड़ेगा, बच्चे एक हवाई वाली टिकट से यात्रा कर सकते हैं, तो एसी के भी कराए तो एसी के में घूम सकते हैं, एसी में स्लीपर में स्लीपर में तो स्लीपर ले लें आपके साथ, हाँ बिल्कुल हम गए थे आपके गाँव में, कौन सी चीज बेस्ट रहेगी आपके नजरिए फिर तो मतलब बेटिंग करा ऐसा बेटिंग करा लो मुरादाबाद जाना है आराम से निकल जाओ, बेटिंग आ तो कितने दिन में हो जाएगी बेटिंग, बेटिंग कम से कम 1 दिन पहले करा लो, कल जाना तो आज करा दें, आज करवा दी ऐसे में तो हो जाए, हां बेटिंग हो जाए, अगर कंफर्म हुए तो कितनी देर पहले मालूम पड़े कंफर्म हुई, 4 घंटा पहले जो मालूम 7 बजे के लिए पता चले गए, तो मैं फिर आ जाऊं मोबाइल पे वेटिंग ही कर दो और क्या करें, तो यहां पे नीरज फॉर्म फिल कर रहे हो वेटिंग वाली टिकट करा रहे हैं, यहां पे बारेलाल हमारी नीरज और सत्यम 4 लोग जाएंगे, वेटिंग वाली करवा ले रहे हो जाए या करवा कन्फर्म नहीं तो खड़े होकर चले और क्या करें, यही कर पता कुलदीप भैया तुम रहियो घर है फोन ले जी हम तुम आओ, सो गाइस टिकट जा मिल गई है वेटिंग वाली, कन्फर्म हो जाए तो मैसेज आ जाए, मैं तो कोई बात नहीं खड़े होकर जाएंगे ठीक है, चलो ठीक है भैया ओके थैंक यू, जब कहाँ से भाई फतेहपुर से, हाँ पीछे से करेंगे इनसे तो वेटिंग होने वाली है, ठीक है भैया चलो गाय इतनी तो फायदा वही है, कोई लोग पहचाने तो अच्छा लगा था पहचानो किन्ने, भैया बोले तत्काल नहीं हो पाई है भैया, सो गाय सभी आ गए घोड़ा चाय तो यहाँ पे चाय पिए, बिकॉज गाड़ी खड़ी कर गए तो चाय तो पीना बंद है, फिर गाड़ी खड़ी कर गए अब चाय मत पियो भाग जाओ, अरे भैया हम आए हमने एक बार देखो यार लग तो यार वही रहे यार, तो हमने कही काम पे आ रहे यार अच्छी अरे यार एक नंबर है गाँव में जो दिखाओ तो आप लोग बहुत चीज प्रैक्टिकली दिखा दो ऐसा बहुत है कोई चीज रियलिटी फील करा देगा, मुझे अपने इधर की भाषा को टच एक बात ही अलग है, सो गाइस ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो अच्छा लगता है, चाय दे यार चाय पैसा दे देगा 3 नहीं लिया पैसा चाय दियो भाई एक गाइस चाय 2 ऑर्डर करी थी लेकिन 3 रखे वो दूसरे ऑर्डर है ना वो है सो गाइस कब कर दो खाली बंदा ये 9 बजे का इतना शौकीन हो चुका है शाम को चिकन खाई और फिर देखो चिकन बिरयानी भाई वो खाए भी और मर जाएंगे तो चिकन के अलावा और रुचि है दुनिया में आलू खाए सो गाइस बिरयानी वगैरह ले ली है देख रहे सीट बिंक हुई है पूरी चलो अब चल रहे सीधे सो गाइस पन्नी मांग रहे मोबाइल दर्जे के लिए बिकॉज बारिश चालू हुई है देखो ले ली
फोन नहीं मिले यार फिर जो जेब में डल रहा है रिमझिम रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी है गाइस। ये देखिए आप कैमरा गिर रही है बूंदे और पता है आज बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले मुझे बहुत तेज बादल गरज गरज रहा है और इन लोगों को धन्यवाद जो लोग मुझे मिले सब्सक्राइबर इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलो करे ना हम कैसे उनके बाद ही टाइम स्पेंड करो करें गाइस हम लोग इटावा से वापस जा रहे घर पे सुगाए वैद्यपुरा रुक गए यहाँ पे ले रहे पानी की बोतल और जाके मैरिया के लिए चप्पलें और चाहिए दिमाग खराब करे बाहर पानी की बोतल ले लिए पकड़ ले अरे ना मैं रुपया खर्च करवाए चप्पल ले लिया चप्पल पागल मत बने चप्पल ले लिया पानी बस लो कर लगे फिर हम तेरी मैरिया की चप्पल लिबा के लिए चले मम्मी पागल चप्पल चल कर लिबे बढ़िया दुकान पे कंफर्म 300 रुपए चप्पल लिबे तेरी मैरिया के सो गाइस बारिश देखो कितनी भयंकर हो रही है हम रुक गए बहुत तेज पानी है ले 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 ले। पेड़ के नीचे ठाड़े गाइस अब I-20 की फुत्ता आ रही याद आ रही I-20 होती तो वह रुकने नहीं पत्तो बारिश में ही चलते हम लोग लेकिन क्या करें ना है चल, चल, चल। सो गाइस कैमरा में पानी पानी है बारिश भयंकर हो रही है आप लोगों को भारी आवाज सुनाई दे रही है तो थैंक यू और ये देखिए और ये देखिए बारिश की बारिश मजा लेते हुए गाइस ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं रही है खत्म ही पर हम लोग देखो पूरे भीग गए ऊपर से लेके नीचे भी देखो जूते नम में देखो पानी भरे हो जूते नम में ले गए चल रहे घर है बिरयानी पैक करा रही थी बिरयानी में घर पाई होगी यार चलो घर ही खाई है तो खाई ठीक है।